रावत जी के साथ 3 साल पढ़ा यहाँ पर। वो 1971 में उन्होंने हमारा स्कूल ज्वाइन किया था 9th क्लास में, और 11वीं तक हम इकट्ठे थे और हम बड़े अच्छे मित्र थे, क्योंकि मैं भी छोटा शिमला में रहता था, वो भी छोटा शिमला में रहते थे। उनके फादर यहाँ पर वेस्टर्न कमांड में एज ब्रिगेडियर थे और बहुत ही फोकस्ड थे तब भी एज ए स्टूडेंट ऑल्सो। ही वॉज़ ए वेरी गुड स्टूडेंट एंड वेरी मच फोकस्ड इन हिज अप्रोच। वो हमेशा यही बोलते थे कि मैंने फौज ज्वाइन करनी है। और उसके बाद जैसे जैसे उनका करियर प्रोग्रेस होता रहा, हमें बहुत बहुत प्राउड फील करते थे कि वो ऊंचाइयां उनका करियर छू रहा है। और जब वो CDS बने, ये भी बहुत गर्व की बात थी हमारे लिए, सबके लिए। 73 बैच हमारा है और हमारे स्कूल के लिए, एडवर्ड के लिए। और अब अचानक जो ये हादसा हुआ है, इसे हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा। इट्स अ वेरी पॉइंटेंट मोमेंट फॉर अस एंड वी आर ऑल इन ग्रीफ। विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच नहीं रहे। हाँ, वो जब वो यहाँ पर आए थे जी, मेरी उनसे मुलाकात तो उस वक्त हो नहीं पाई थी जी, क्योंकि किसी कारणवश हम उनसे मिल नहीं पाए थे। लेकिन वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप था स्कूल का, उनमें उनकी धर्मपत्नी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, और जो भी डेवलपमेंट्स होती थी, चाहे उनके फ्रंट पर चाहे हमारे फ्रंट पर, हम एक दूसरे से शेयर करते रहते थे। और बड़ी अच्छी यादें हैं। और लेकिन अब यह है कि आज हमारे बीच वो नहीं रहे, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी और उनकी धर्मपत्नी को अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, ऐसा था जी कि वो थोड़े से ये था कि बहुत, मतलब ज़्यादा बोलते नहीं थे, बड़े रिजर्व किस्म के व्यक्ति थे एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, पर हमेशा मुस्कुराते रहते थे।
और जब भी हम पूछते थे, हमारे से कोई पूछता था जी कि आपने क्या बनना है, तब अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया था कि जी हमने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, जैसे मैं इंजीनियर बना। लेकिन उनका ये था जी कि हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि मैंने तो आर्मी में जाना है, मैं तो NDA ज्वाइन करनी है। तो मैं यही देखता हूँ जी कि वो बहुत ज़्यादा फोकस थे और उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही ध्येय था कि उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली है। उनकी बेटी की शादी हुई थी दिल्ली में, तब वो ही वॉज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तब हमारे ग्रुप के कम से कम 15-20 स्टूडेंट्स जो थे, हमने पार्टिसिपेट किया था। आई वॉज नॉट देयर, मैंने नहीं किया था, उन सब ने किया था। नहीं, बात नहीं होती थी हमारी। तो थे वो स्कूल के बाद वो NDA में सिलेक्ट हो गए थे। NDA के बाद वो अपने पाँच साल में 73 में हम हुए, तो 78 या 79 में तब बात हुई थी। उसके बाद बात इसलिए होती कि वो वाज़ वेरी बिजी और हम अपने बिजी होते थे। बट वी वर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप टिल ही बिकेम दी, जब तक हम ग्रुप में थे, देन बिकॉज देन ही वाज नॉट अलाउड आफ्टर व्हेन ही बिकेम द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। बहुत इंटरेस्ट फुटबॉल खेलने का बड़ा शौक था उनको। ही वॉज अ वेरी गुड फुटबॉलर। सेकेंडली वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, सारी क्लास के टीचर्स के फेवरेट थे। हर क्वेश्चन का उनके पास आंसर होता था। कोई भी क्वेश्चन टीचर पूछते थे, ही वॉज द फर्स्ट वन टू रेज हिज हैंड, कैन नो इट, और उनको प्रॉपर आंसर आता था।